अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो है अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। जो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ उसके न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की बारी है कि न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो क्या रिक्वायर कर रहा है। हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, कि आपके पास ये सॉल्यूशंस उन्होंने दिए हुए हैं ए बी सी पार्ट के अंदर, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपके पास एटॉमिक मास भी उन्होंने बता दिया है अपने ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर, ठीक है। पोटाशियम का बता दिया है, सोडियम का बता दिया है, सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बता दिया है। तो आपने ये बताना है कि आप इन सॉल्यूशन को जब तैयार करेंगे जिनमें ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनको आप फिर किस तरह से जो है वो तैयार करेंगे, यानी कि उसमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी मौजूद होगी। तो आपके पास दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, चाहे वो 0.2 हो, 0.5 हो, 0.25 हो या 1 मोलर सॉल्यूशन हो, तो वो तैयार होगा। तो पहला वाला न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ए वाला न्यूमेरिकल इज कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोल, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, वो कहता है कि अब बताएं इसमें जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आपने 0.5 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है। तो आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें पोटाशियम की कितनी क्वांटिटी जो है वो मौजूद होगी, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना होगा। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि वॉल्यूम दिया गया है, उसका हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं बताई हुई, उसका मास हमें नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके पास आपने कितना तैयार करना है, 0.5 मोलर, ठीक है। उसके अलावा 250 सेंटीमीटर क्यूब क्वांटिटी बताई हुई है, वॉल्यूम बताया हुआ है। तो इसका हमने जो है बेसिकली सॉल्यूट का मास फाइंड करना है कि आप बताएं कि आप कैसे इतना सॉल्यूशन जब आप तैयार कर लेंगे तो उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा गिवन डाटा क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोग लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। और गिवन डाटा में हमें उसने क्या क्या गिवन चीज़ें हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इसको हम लोग एम से शो करते हैं, और ये हमारे पास गिवन है 0.5 मोलर, ये तो हमें पता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद अगर सेंटीमीटर क्यूब को, अब आपको पता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह की क्वांटिटीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 डीएम क्यूब, ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ, मोलर मास अब तक तो आपको ये फिंगर टिप्स पे आ गया होगा जितना हमने इसको डिस्कस कर लिया। मोलर मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हम कैसे निकालेंगे, पोटाशियम का होता है 39, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। सबको प्लस करिए तो आपके पास आंसर आएगा 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, बेसिकली हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें तो रिक्वायर्ड है जी मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमें जो है वो मालूम करना है, ठीक है, कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, उसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की क्या क्वांटिटी है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि लेसर क्वांटिटी के अंदर है तो ये एक सॉल्यूट है, ठीक है। तो यानी कि हम बेसिकली मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसका क्या मास होगा। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमें, सबसे पहले तो मोलैरिटी का जाहिर सी बात है, मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने फाइंड करा है तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, सॉरी, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक है।
दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. ये जी हमने गलत कर दिया, मोलैरिटी. ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स आपने पहले से फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स में कवर हो जाते हैं. ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप दो तरह से लिख सकते हो. ठीक है, ये भी फॉर्मूला ठीक है. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे नीचे. ठीक है, ओके. तो इस फॉर्मूला के अंदर सिंपली हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो मोलैरिटी हमें बताई हुई है 0.5 मोलर. मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, यही तो हमने पता करना है. मास ऑफ सॉल्यूट हमने पता करना है, वो भी ग्राम्स के अंदर. ठीक है, ये ग्राम पर मोल. और इस तरह से आपको ये सारे जो यूनिट्स हैं वो साथ में आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम पर मोल. ठीक है, यूनिट साथ में लगे हुए हैं. इन टू वॉल्यूम हमें कितना है, 0.25 डीएम क्यूब. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम उधर रहने दो, चाहे कहीं साइड पर ले आओ, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे. मास ऑफ सॉल्यूट को आप इधर रहने दें, मास ऑफ सॉल्यूट को आपने इधर ही रहने दिया. ठीक है, बाकी आपने 0.5 के साथ इन सारी चीज़ों को ला के मल्टीप्लाई कर दिया, 0.25. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर आप लोग साथ रखा करें, ठीक है, आप लोग साथ में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि दिस इज करेक्ट. ओके, तो आपने जब इस सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 7 ग्राम पर मोल. ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर था बेसिकली 7 ग्राम. ओके, इसको आप जरा नोट डाउन कर लें. ओके जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. दिस इज द आंसर बेसिकली. ओके, तो हम अपने अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बी वाला पार्ट है. वो भी बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, बी और सी मिलते जुलते पार्ट्स है भाई इस न्यूमेरिकल पोर्शन के. ठीक है, इस चैप्टर के थर्ड वाला जो पोर्शन है आपके न्यूमेरिकल पार्ट का, तो उसमें अब दूसरा वाला पार्ट हमारा ये आ जाता है कि 600 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन. स्टेटमेंट वही है. ठीक है, कि आपने कितना सॉल्ट आपको चाहिए होगा, कौन सा सॉल्ट, अब यहाँ पर दिया हुआ सोडियम नाइट्रेट, कि आपको 0.25 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा. वही बात आ गई, मास ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए. ठीक है, 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में बताया हुआ है. ठीक है, तो सेम वही वाला प्रोसीजर है सारा का सारा, फिर भी मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ. हम जरा यही बातें देखेंगे, हमें गिवन डाटा क्या है. ठीक है, बी वाले में हम लोग क्या करेंगे, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ 0.25 मोलर. ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हम लोग यहाँ पे जो गिवन है चीज़ें हैं हमें, हम सबसे पहले वो लिख लेंगे ना, गिवन डाटा जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे. ठीक है, सबसे पहले तो हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एम इक्वल टू यहाँ पे कितने दिया, 0.25 मोल. उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताया हुआ है, जिसको आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद अब सेंटीमीटर क्यूब को आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 0.6. ठीक है, 0.6 डीएम क्यूब आपके पास जो है वो आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमें और उन्होंने क्या बताया हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम भी हो गया, अब मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट हम कैसे लिखेंगे, 23 इसका है, नाइट्रोजन का क्या कितना होता है, 14, और 3 + 3 × 16, ये सारा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका सोडियम नाइट्रेट का मास निकल के आएगा, दैट विल बी 85 ग्राम पर मोल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट चेंज है. ठीक है, तो
तो उसी के लिहाज से हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, बाकी सारा का सारा पैटर्न वही है जो ए वाले पार्ट का था कि आपको कितनी सोल्यूट की क्वान्टिटी चाहिए होगी दैट पर्टिकुलर मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन को तैयार करने के लिए, ठीक है, जो कि पहले 0.5 था, अभी 0.25 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलारिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय, वही वाली सारी बात, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर मोल, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और आपको पता है वॉल्यूम जो है हम लोग पीएम क्यूब में ही शो करें यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम क्यूब आप लोग इसलिए यूज कर रहे हो मोलैरिटी में वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो मोलैरिटी सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है 0.25 लगा दी, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करना है, बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमने निकाला हुआ है, ठीक है, दैट इज 85 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जी हमारा ये 0.6 डीएम क्यूब, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, जो तीनों वैल्यूज हमें पता है उसको हम एक साइड पर ले आएंगे, रीअरेंज कर लेंगे फॉर्मूला को और अपना आंसर ले आएंगे। मास ऑफ सोल्यूट को वही रहने दो, नीचे जो चीज़ें डिवाइड हो रही है उसको मोलैरिटी के साथ ला के मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.25 × 85 ग्राम पर मोल इंटू 0.6 डीएम क्यूब, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी 12.7 ग्राम, क्या आंसर आएगा 12.7 ग्राम, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन कर लें, जो भी आप जिसके ऊपर नोट डाउन करते हैं, इसके बाद नोट डाउन करने के बाद आपने इसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, इसके प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको जो है ये क्लियर होगा, ठीक है, ओके जी। इसको जरा नोट डाउन कर लें आप, ओके, और बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। फिर इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देती हूँ, ओके। अब हम थर्ड वाले पोर्शन की तरफ चलेंगे। थर्ड वाला पोर्शन हमारा क्या कहता है जी, बुक पे थर्ड वाला पोर्शन क्या कहेगा, थर्ड वाला पोर्शन ये कह रहा है कि अब आपने बताने 800 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ मोलैरिटी में चेंज आया है और सॉल्ट में चेंज आया है, क्वेश्चन उसका वही है कि आपने जब इतना सोल्यूशन तैयार करना है इतनी मोलैरिटी का, मोलैरिटी बेसिकली इसको शो करती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट को, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट एज एन सोल्यूट है, सोल्यूट वही होता है ना जो कम क्वांटिटी में होगा, तो दिस इज अ सोल्यूट, तो हमें मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोडियम सल्फेट की यहाँ पे क्वांटिटी का पता करना है कि जब हम 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करेंगे इस पर्टिकुलर सॉल्ट का तो हमें इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो वही हमने फाइंड जो है वो करना है। वॉल्यूम इसका बताया बस 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, फ्लैट से पता चल जाएगा दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली कि आपकी फॉर एग्जांपल इतना जो है वो बीकर है, ठीक है, उसके अंदर इतना जो है वो आपने फिल किया हुआ है अपना 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट, तो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम, ओके, हुज्जम उसका। तो हम वही वाला फॉर्मूला करेंगे, बिल्कुल हमें जो है वो गिवन डाटा क्या है, अपना गिवन डाटा लिख लेंगे, ठीक है। गिवन डाटा में सबसे पहले तो हमें उसकी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है और वो क्या है, दैट इज 1 मोलर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है दैट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब, और हम क्या करेंगे इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब के अंदर, 1000 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 डीएम क्यूब, ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, सॉरी Na2SO4,
सोडियम 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू 16, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? योर आंसर विल बी, आपका आंसर आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको सॉल्व करके बता देती। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है, और आप बिल्कुल जो है इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर है, मैंने एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया मैं ना, ठीक है, तो आंसर मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेट किया बगैर वहाँ से देख के बता रही हूँ, तो आपने बिल्कुल हैरान नहीं होना कि आंसर टीचर कहाँ से बता रही है। ठीक है, तो आंसर मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, ओके 142 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ, नज़र तो आ रहा है ना, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम। ठीक है, ये भी ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में होता है। ठीक है, सिंपली मोलैरिटी क्या दी हुई है, दैट इज 1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, सिंपली हमें नहीं पता मोलर मास, हमने ये निकाला हुआ है 142। ऐसे निकालते हैं मोलर मास, लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना उनको प्लस करते चले जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। नीचे जो नंबर लिखा होता है ना उसको उस पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक नंबर से, सॉरी एटॉमिक मास से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब उसको टोटल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनटू वॉल्यूम कितना बताया हुआ, 0.8 ही है ना, हाँ जी 0.8 डीएम क्यूब। अब क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हम इसको इस तरफ ले आएंगे, 1 × 142 × 0.8 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी, क्या आंसर आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा 113.8 ग्राम, 113.8 ग्राम, दिस विल बी द आंसर, नोट डाउन कर। ओके जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये हमने न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है आपका चैप्टर नंबर 6 का, उसको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके फर्दर जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, दैट 4, 5 एंड 6, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, इससे क्या होगा, आई गेट मोटिवेशन, ओके जी।